हेलो एवरीवन, वेलकम टू राउंड क्लासेस ऑफ मैथमेटिक्स। दिस अगेन ए प्रॉब्लम वीडियो ऑफ सीएसआर नेट दिसंबर 2019। तो दिस अगेन ए रियल एनालिसिस प्रॉब्लम वीडियो। तो प्रॉब्लम क्या है? आपके पास कोई भी एफएक्स है, रियल पॉलीनोमियल ऑफ डिग्री 4। आपको कंडीशंस चार दे रखी हैं, एफ ऑफ -1 इज 0, एफ ऑफ 0 इक्वल टू 0, एफ ऑफ 1 इक्वल टू 1, एंड एफ का जो फर्स्ट डेरिवेटिव है 0 पे आपका 0 है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? तो आपके पास चार ऑप्शन हैं, पूछा है कौन सा स्टेटमेंट आपका ट्रू है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एफ एक्स का आपके पास रियल पॉलीनोमियल ऑफ डिग्री 4, तो लेट मैं एफ एक्स इक्वल्स टू ए एक्स की पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई। आपके सब क्या है? आपके पास जनरल और डिग्री की आपकी पॉलीनोमियल हो गई, वेर ए बी सी डी एंड ई आर ऑल रियल नंबर्स। नाउ कंडीशन आपको क्या गिवन है? एफ ऑफ 0 इक्वल टू 0, एफ डैश 1 इक्वल टू 0, एफ ऑफ 1 इक्वल टू 1 एंड एफ ऑफ -1 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास चार कंडीशन आपको गिवन है। तो एफ ऑफ 0 इक्वल 0 मीन्स एफ ऑफ 0 की वैल्यू कितनी आएगी? अगर हम इस फंक्शन में 0 पुट करते हैं एक्स की जगह पे, तो क्या आएगा आपका? इस ई मिल जाएगा। तो दिस इज इक्वल टू 0 बाय गिवन कंडीशन, सो इट इम्प्लाइज ई इक्वल टू 0। नाउ अगर मैं इसका फर्स्ट डेरिवेटिव करता हूँ फंक्शंस का, एफ डैश एक्स, तो एफ डैश एक्स वुड बी 4 ए एक्स क्यूब प्लस 3 बी एक्स स्क्वायर प्लस 2 सी एक्स प्लस डी। बट एफ डैश 0 इक्वल टू एफ डैश 0 इज नॉट 1, इज 0। एफ डैश 0 इक्वल टू 0, सो इट इम्प्लाइज एफ डैश 0 की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास? दिस इज 0 0 0, दिस इज डी, डी इक्वल टू 0, इट इम्प्लाइज डी इक्वल टू 0। आपका यहाँ पे आपका ई भी 0 हो गया और आपका डी भी 0 हो गया। तो माई पॉलीनोमियल इज एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स की पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर। आपके पास ये पॉलीनोमियल बच गई। नाउ एफ ऑफ 1 इक्वल टू 1, दैट इम्प्लाइज ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 1। एफ ऑफ -1 इक्वल टू 0, दैट इम्प्लाइज ए माइनस बी प्लस सी इक्वल टू 0। अगर मैं दोनों को ऐड कर लेता हूँ इक्वेशंस को, तो मुझे क्या मिलेगा? ए प्लस सी इक्वल टू 1/2। नाउ फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड बी इक्वल टू ए प्लस सी, और ए प्लस सी का कितनी हाफ है? दिस इज हाफ, इट इम्प्लाइज माई बी इक्वल टू हाफ एंड माई सी इक्वल टू हाफ माइनस ए। तो आपके पास ये आपके पास वेरिएबल्स पे कंडीशन आ गई। नाउ इसको पुट करेंगे एफ एक्स के अंदर, सो इट इम्प्लाइज माई एफ एक्स इक्वल्स टू ए एक्स की पावर 4 प्लस हाफ ऑफ एक्स क्यूब प्लस हाफ ऑफ माइनस ए इंटू एक्स स्क्वायर। तो आपके पास ये आपके पास जनरल आपकी इक्वेशन आ गई एफ एक्स की बाय गिवन कंडीशंस। दिस माई जनरल एफ एक्स। अभी मुझे क्या चेक करना है? ऑप्शन आपके पास क्या है? अगर मैं चेक करता हूँ तो हर एक ऑप्शन में मुझे थर्ड डायरेक्टिव निकालना है। थर्ड डायरेक्टिव वैल्यू मुझे चेक करनी है एफ डैश 3। तो इसके पहले हम थर्ड डायरेक्टिव निकालते हैं। व्हाट इज थर्ड डायरेक्टिव ऑफ दिस एफ डैश? तो कुछ थर्ड डायरेक्टिव आएगा, कितना आएगा? एफ ट्रिपल डैश एक्स विल बी ए इंटू में 4 इंटू में 3 इंटू में 2 इंटू में एक्स
plus half into factorial 3 plus 0, it will be 24 a into my x plus 3. So my f triple dash x equals to 24 a x plus 3. It implies f triple dash 0 pe value kitni aayega aapke paas, this will become 0, 0 plus 3 which is 3. So my f triple dash 0 equals to 3. Now agar hum option check karte hain, fourth option, f triple dash at the point value 0 is greater than equals to 3. This is true statement because actually iski value kitni aayegi, 3 aayegi, this is actually 3. This is true statement. और अगर ये आपका true है तो आपका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, बिकॉज इट सेज आपका जो डेरिवेटिव है थर्ड डेरिवेटिव जीरो पे वो जीरो से टू के बीच में है, दिस इज फॉल्स बिकॉज इसकी वैल्यू कितनी है, 3 है, और दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट, दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट. नाउ अब हम ऑप्शन फर्स्ट और सेकेंड में से चेक करेंगे. फर्स्ट ऑप्शन क्या बोल रहा है, देर एग्जिस्ट सम पॉइंट ए बिटवीन -1 to 1 सच दैट एफ ट्रिपल डैश ए इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 3. और सेकेंड ऑप्शन क्या बोल रहा है, एफ ट्रिपल डैश ए इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 फॉर ऑल ए बिटवीन -1 to 1. तो देखिए तो कैसे करेंगे, पहले हम निकालते हैं एफ ट्रिपल डैश एट द पॉइंट ए, वैल्यू कितनी आएगा पास, इसमें पुट करते हैं, इट विल बी 24 ए into small a plus 3. And if this is greater than equal to 3, it implies 24 a into small a is always greater than equals to 0. It implies capital A into small a is always greater than equal to 0. Yeah, first condition again. Now if a between -1 to 1 now remember, A is any real number. A is free. A can be any real number. If A is 0, this is automatically satisfied. We are done. If A is positive, then there exists A between -1 to 1 such that a into my a will be greater than equal to 0. Basically अगर a आपका पॉजिटिव है तो आप यहां से इस इंटरवल में कोई भी a ले लो जो कि पॉजिटिव हो, दोनों का जो प्रोडक्ट हो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, मीन्स आपकी जो कंडीशन हो क्या हो जाएगी, सेटिस्फाइड हो जाएगी. अगर a पॉजिटिव है तो भी आपको इस इंटरवल में मिलेंगे पॉइंट्स जिसको सेटिस्फाइड कर रहे हैं, और वो पॉइंट्स कौन से होंगे, पॉजिटिव वाले पॉइंट्स होंगे. ठीक है, इफ a इज नेगेटिव देन देयर एग्जिस्ट a which is between -1 to 1 such that a into small a is always greater than equal to 0, because अब यहां पर a को क्या ले लेंगे, हम नेगेटिव ले लेंगे, क्योंकि ये भी क्या आपका नेगेटिव है, तो सिंटोल में से आप सिर्फ नेगेटिव a को चूज कर लो, तो इस कंडीशन में आपकी, इस केस में आपकी ये कंडीशन क्या हो जाएगी, सेटिस्फाइड हो जाएगी. इट इंप्लाइज f triple dash at the point a is always greater than equals to 3. तो हर एक आप कोई भी a चूज कर लो, आपको हमेशा एक स्मॉल a मिलेगा इस इंटरवल में जो इसको क्या करेगा, सेटिस्फाइड करेगा इस कंडीशंस को. ठीक है, तो माय ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, माय ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट. रिमेंबर ऑप्शन बी इज नॉट करेक्ट, बिकॉज बी, ऑप्शन बी क्या कह रहा है आपके पास, दिस वैल्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 फॉर ऑल ए बिटवीन -1 to 1. दिस इज नॉट ट्रू. व्हाई दिस इज नॉट ट्रू, बिकॉज अगर मैं इस केस में अगर ए को ले लेता हूं सपोज -1 और यहां पे ए को ले लेता हूं सपोज मैं +1/2, तो इस केस में आपका ए इंटू ए ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ये आपकी फॉल्स हो जाएगी, दिस इज द फॉल्स स्टेटमेंट. इस केस आपको कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा, तो आपका ऑप्शन बी क्या है, इनकरेक्ट है.
ओनली ऑप्शन करेक्ट इज ऑप्शन फर्स्ट। तो इसको आपका आंसर जो फाइनल करना है आपको ऑप्शन फर्स्ट आपको टिक करना है, ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। आई होप यू लाइक दिस सॉल्यूशन, तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन बटन, जिससे कि आपको जो नई वीडियोस का नोटिफिकेशन है वो मिलता रहे। इस वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।